फायर सीजन में इस बार वनों को आग से बचाने के लिए विभागीय प्रयास रंग लाए हैं और हमीरपुर वन परिक्षेत्र में फायर सीजन में अब तक 13 केस ही सामने आए हैं, जिसमें हमीरपुर में 10, देहरा में 3 केस सामने आए हैं, तो जिला ऊना में कोई भी आगजनी का केस सामने नहीं आया है। जबकि पिछले साल 392 मामले आग के सामने आए थे और 870 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ था। वन अरण्यपाल अनिल जोशी के अनुसार इस बार विभागीय प्रयासों के चलते फायर सीजन में आग की घटनाओं पर काबू पाने में कामयाबी मिली है, जिससे वन संपदा जलने से बची है। वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि फायर सीजन अब खत्म होने जा रहा है और फायर सीजन चुनौती भरा रहता है, लेकिन इस बार मौसम ने भी साथ दिया है। इसके साथ ही चलारू इकट्ठा करके इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक किया था, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि चलारू जंगलों से बाहर निकलने से आग की घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं। फायर सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। हर बार फायर सीजन हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है और इस बार शायद मौसम ने भी हमारा साथ दिया। और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम, जिसमें पाई नीडल यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाना था, लोकल लोगों को एनकरेज किया जा रहा था, स्कीम के तहत उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही थी और उसके तहत हमने 4 पाई नीडल यूनिट्स जो है लोकल लोगों द्वारा लगाए गए, जिसमें 2 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 1 देहरा में है, 1 ऊना में है। और पाई नीडल जो एक ज्वलनशील पदार्थ है जंगलों में, आग को काफ़ी सपोर्ट करता है ये, और पाई नीडल्स को जंगलों से निकाला गया, लोगों ने अपने यूनिट्स में, जो इनके एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने अपने यूनिट्स में इनको यूज कर रहे हैं, इनके बिलेट्स बना के, ताकि फर्दर जो है इसको एज ए फ्यूल वुड यूज़ किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से आग में काफ़ी कंट्रोल इस बार हुआ है। और इस बार अभी तक जो है पूरे मेरे तीनों डिविजन्स में लगभग 13 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं आज तक की, जहाँ बात कर रहा हूँ। हमीरपुर में 10 केसेज है, देहरा में 3 केसेज है, ऊना में कोई भी केस नहीं है। लास्ट टाइम ये 392 केसेस थे और जिसमें कि लगभग 870 हेक्टेयर एरिया जो था आग से प्रभावित हुआ था। इस बार सिर्फ 13 केसेस है और 66 हेक्टेयर एरिया ही प्रभावित हुआ है। तो आग से ऑलमोस्ट जैसा हम चाह रहे थे, जैसा हमने प्लान किया था, हमने ऑलमोस्ट वही अचीव किया है इसमें।